जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। हमारे वो नाज़रीन, हमारे वो कॉलर जो कॉल करते रहे ब्रेक के दौरान, वो हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं अली भाई, हमारे कॉलर जो हैं वो नसीहत के बारे में, और नसीहत को सबसे अहम जो है जो आपके अंदर होना मौजूद है वो ये कि वो ऐब आप में मौजूद ना हो जिसके लिए आप दूसरे को नसीहत कर रहे हैं। अब मसला कुछ यहाँ पर इस तरह से पैदा होता है कि अब के आजकल के दौर में नसीहत करना जो है वो एक टीज करने का एक दूसरा नाम बन चुका है। वही देखिए, तरीक़ेकार अगर हम तरीक़ेकार ऐसा अपनाएंगे कि वाकई में वो टीज किया जा रहा होगा तो सामने वाला हक़ बजाने पे कि जी आप मुझे नसीहत कर रहे हैं कि आप में ऐब नहीं है, वो फिर ये हो जाएगा वो आपके ऐब ढूंढने लगेगा। अगर नसीहत का तरीका ये होगा कि उसको अकेले में ले जा के ये कहा जाएगा आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे थे, आप ये बात कर रहे थे, आपने ये कहा ये कहा ये कहा, ये बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैंने उस वक्त नहीं कहा, मगर लोग क्या सोचेंगे क्या समझेंगे, तो उस वो वही शख्स एहसानमंद होगा आपका। या आप किसी बात में मशवरा ले रहे हैं, देखिए मशवरा भी मिलती जुलती चीज़ है, इसके ऊपर भी बात कर ली जाए कि बाज़ लोग इसमें बड़ा सख्त हुक्म है मशवरा देना, यानी बाकायदा ये ऐसा है कि जैसे कि अगर आपसे किसी के दिल में, जैसे आपके खुदा नखास्ता किसी इंसान के दिल में किसी इंसान के लिए अच्छाई नहीं है, वही शख्स मशवरा मांगता है। इस्लाम यहाँ पर हुक्म देता है चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, मशवरा अच्छा दिया जाए और सही दिया जाए बिल्कुल, वरना ऐसा आदमी खाइन है, खयानतकार है। दुश्मन ही क्यों ना हो, मशवरा जो आपसे मांगने आया है आप उसको सही मशवरा देंगे, ये नहीं कि उसको ऐसा मशवरा दें वो गले में गिर जाए। और बाज़ दफ़ा जज करने के लिए लोग मशवरा मांगते हैं कि मैं देखूँ ये मेरा दोस्त है या नहीं, तो इसलिए इस्लाम ने ऐसा एक प्रिंसिपल बना दिया कि उसमें कहीं से आप जो है वो अजमियत का शिकार नहीं होते क्योंकि आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं, जो फॉलो नहीं करते उनके साथ ये सब मसाइल होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, कुरान में बार बार हुक्म क्यों है कि गौर क्यों नहीं करते, तुम फिक्र क्यों नहीं करते, तुम इसमें गौर करो, इसकी निशानियों में गौर करो, तुम इसमें फिक्र करो, इसमें तदब्बुर करो। जब हम किसी भी चीज़ में फिक्र करते हैं तदब्बुर करते हैं, बाज़ दफ़ा तो 70-70 साल की इबादतों से अफजल है चंद लम्हात की फिक्र करना। जनाब हुर अगर फिक्र ना करते तो क्या इमाम की तरफ आते, तो क्या लश्कर यजीद से बाहर आ सकते थे, वो गुमराही से और उस अंधेरे से बाहर आते कभी कभी नहीं। ये उनकी फिक्र करने का नतीजा था कि उन्होंने फिक्र की, सही चीज़ में तदब्बुर किया, गौर किया, चीज़ समझ में आई, लबैक। इंसानों को तमाम मजमू तौर पर हर इंसान को कुरान दावत दे रहा है, खाली मुसलमानों को नहीं सबको दे रहा है कि तमाम के लोगों को फिक्र करनी चाहिए। इंसान को हमेशा नसीहत की ज़रूरत क्यों रहती है, इसका एक पूरा एक इसके पीछे मतलब एक लॉजिकल बात है कि इंसान पर हर लम्हे हर लहजे शैतान की तरफ से हमला होता रहता है, वो वसवसे डालता रहता है, वो अपना काम करता रहता है, इसलिए इंसान को भी हर लम्हे जिस तरह तौबा की ज़रूरत है, परवरदिगार की नुसरत की ज़रूरत है, यहाँ तक आया कि तुम जूते का तस्मा भी बांधो तो परवरदिगार से मदद और नुसरत तलब करो, कि इंसान को अपने को इतना हकीर समझना चाहिए अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने कि वो पलक नहीं अपनी झपक सकता अल्लाह के, और इसीलिए उसको नसीहत करते रहो। कॉलर को शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अली मुल्की भाई, मेरी बहन को सलाम अलैकुम। मोहम्मद लंदन से बोल रहा हूं सिस्टर। वालेकुम सलाम मोहम्मद अली भाई, खुशामदीद। अल्लाह ताला कोई ऐसा शख्स पैदा करे जो मोहम्मद अली को भी नसीहत करे। मुझे हमें तो हम तो ढूंढ रहे हैं कि हमें भी नसीहत करे। तो देखें कि अली भाई टॉपिक बहुत बड़ा है, प्रोग्राम का टाइम बहुत थोड़ा होता है, फिर आप कहते हैं कि दूसरे कॉलर हैं। तो एनीवे हमें साफ होना चाहिए। देखें कि अगर आप कहें नसीहत पाकिस्तान में करें, पहले पाकिस्तान में तो इनकलाब आएगा तो फिर नसीहत होगी, ये आप याद रख लीजिएगा। नसीहत करने के बहुत सारे तरीकेकार हैं। अभी रिसेंटली हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब चर्च में तशरीफ लेके गए, वहां पे कुरान पाक की तलावत की गई, बड़ा अच्छा काम किया कि उनको नसीहत दिलाई गई कि देखो कुरान पाक में ये लिखा हुआ है, और बड़े आसान तरीके से मैसेज पहुंचा दिया गया। बड़े बड़े तरीकेकार होते हैं नसीहत करने के। तो दूसरी बात यह है कि नसीहत करने वाले को नफ्सियात के ऊपर बड़ा अबूर हासिल होना चाहिए, यह भी एक याद रखिए कि जिसको हम छोड़ देते हैं, अच्छा पॉइंट, जिससे चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अब अली भाई मुझे ये बताएं कि फैज पार्क से लेके मेरा घर पाकिस्तान में 3 माइल है। अब 3 माइल के अंदर मैं इतने लोगों को मिला
پہلے تو میں شاپ میں گیا، وہاں پہ میں کیا کروں مجھے یہ بتائیں کہ وہ میرے سامنے ایک میری بہن کھڑی ہے، اس نے شاپ والے کو کہا کہ مجھے شہد چاہیے، وہ دکاندار نے شہد کی دو شیشی ہاتھ میں پکڑی، کہتا ہے بی بی جی یہ ہے جرمن سے آیا ہوا شہد اصلی شہد اور یہ ہے پاکستانی شہد. اب وہ اس نے میری بہن نے جرمن کا شہد لیا اور باکٹ میں ڈالا وہ چلی گئی. میرے سر میں ایسے لگا علی بھائی جیسے کسی تھوڑے مارے. میں نے اس شخص کو ریلائز کرایا، میں نے کہا دیکھو یار کہ ہم وہ شخص سے ہماری ہمیں نبی پاک وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے کہ جو ہم تجارت کے لیے جاتے تھے تو غیر مسلم لوگ کہتے تھے ڈھونڈتے تھے کہ اس قافلے میں مسلمان کوئی تجارت والا آیا ہے، اس کا مال وداؤٹ اینی آسکنگ کوشچن اس کا مال بک جاتا تھا سب سے پہلے. لیکن آج بڑا دکھ ہوا کہ میری بہن نے پاکستانی شہد کو چھوڑ دیا اور جرمن کا بنی ہوئی پروڈکٹ کو لے کے گھر پہ چلی گئی ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ تھا. پھر راستے میں علی بھائی مجھے ٹریفک والا ملتا ہے، رشوت لیتا صاحب نے ملتا ہے، دودھ والا دودھ دے رہا ہے اس میں ملاوٹ ہے، مرچوں والا کتنی لمبی میں لسٹ آپ کو بتاؤں میں کہاں کہاں پہ 3 مائل کے اندر کس کس کو نصیحت کروں. اس کا مطلب ہے آپ کو انقلاب کی ضرورت ہے وہاں پہ، وہاں پہ نصیحت نہیں چلے گی. سعد رفیق صاحب کا میرے گھر سے جہاں تک میں رحیم گارڈن تک جاتا ہوں وہ 2 مائل کا راستہ ہے. اس 2 مائل کے راستے میں جب میں ریلوے ٹریک کے اوپر چلتا تھا تو سعد رفیق صاحب کو میں کہوں ان کو نصیحت کروں کہ اس کے بھی ناٹی نہیں ہے، اس کے یہ ٹرین کے یہ جو ریلوے ٹریک ہے اس کے اوپر ٹرین چلنی نہیں، یہ موت کا کنویں کا جو نا ٹریک ہے یہ والا. سعد رفیق صاحب کو میں کیسے نصیحت کروں؟ تو علی بھائی پاکستان، ہاں یہاں پہ بھی میں واک کرتا ہوں علی بھائی، میں اپنے گھر سے جب میں سیر کے لیے جاتا ہوں، ایکسرسائز کے لیے جاتا ہوں، جم میں جاتا ہوں، سوئمنگ پول جاتا ہوں، وہ بھی 2 میل کا راستہ ہے. کسی ایک شخص کو میرے راستے میں نصیحت کرنے کی میں سوچنے کی اپنا سوچ ہی نہیں آتی کہ میں کسی کو راستے میں نصیحت کرنی ہے، وہ لوگ یہاں پہ بھی مجھے ملتے ہیں. تو اللہ کے بندو یہ جو پروگرام ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہم اپنا 4 جمعے آتے ہیں ہفتے میں، آج بھی عالم دسا مسلمان جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے، پھر 140 نمازیں آتی ہیں علی بھائی مہینے میں آتی ہیں، تو کیا کریں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ سب لوگ جا رہے ہیں. تو نصیحت کرنے کا جو طریقہ کار تھی کہ آپ نے جو نبی پاک نے فرمایا جو قرآن پاک نے ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کو یا امت کو نصیحت کر کے ہم سیدھے راستے پہ لے گئے ہیں، عربوں کو ہم یہ نصیحت دیں کہ بھائی اللہ کے بندے تمہارے پاس اتنا آئل ہے، خدا کے بندے امت کی حالت یہ ہے، تم نصیحت پکڑو، نہیں، انقلاب کی ضرورت ہے. آپ نبی پاک نے نصیحت کے ساتھ ساتھ انقلاب کی بھی تیاری کی تھی. انقلاب کی تیاری کوئی نہیں کرتا. اب میں اپنے گھر سے نصیحت کیسے کروں کہ اپنے بڑے بھائی کو کیسے بتاؤ کہ خدا کے بندے گھر میں بہن ہے، بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، اپنا بھابھی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر میں گالی نہیں نکالنی. لیکن وہ معاشرہ آوے کا آوے بگڑ چکا ہے. میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے گھر میں 3 مہینے رہ کے آیا ہوں، میں کسی ایک شخص کو سیدھا نہیں کر سکا علی بھائی، کسی ایک شخص کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے میں 10 قدم کے فاصلے پہ سڑک کراس کرتا ہوں. آپ میرے ساتھ میرا بھائی نہیں چلا، میرے ساتھ میرا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے محمد علی بھائی بھتیجے مجھے دیکھ رہے ہیں. محمد علی بھائی آپ آنیئر کہہ رہے ہیں کیا واپس نہیں جائے گا پاکستان؟ آپ جا رہا ہوں دوسری برانچ کھولنے کے لیے، جا رہا ہوں نیکسٹ منتھ پھر جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس طرح میک شیور کروں گا کہ آپ کا چینل میرے ٹاؤن میں آنا چاہیے. وہاں پہ لوگ پہلے کہتے تھے آتا تھا چینل آپ کا، لیکن مجھے نہیں پتا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ناروال میں یہ آپ کا چینل ہدایت ٹی وی کیوں نہیں جا رہا تھا. اب میں جانے سے پہلے میک شیور ہو کے جاؤں گا، اپنے بھائی کو وہاں پہ فون کروں گا کہ وہ کے بابا کو بلائے اور میک شیور کرے کہ آپ کا چینل وہاں پہ جا رہا ہے، تو میں وہاں پہ سے آپ سے بات کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی بھائی آپ نبی پاک کا انقلاب چاہیے ہمیں پاکستان میں، دیٹس اٹ. آپ کو میری صاحب آئے تھے نا، انقلاب ہے نا. ابھی ایران بھی میں نے جانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، میں جب جاؤں گا پرسن ایران سے ہوتا ہوا ادھر سے عربوں سے ہوتا ہوا جاؤں گا، اپنی آنکھوں سے حالات دیکھوں گا، سنی سنائی بات نہیں کروں گا کہ جو انقلاب ایران میں آیا ہے اس کے جو ہم نے سنا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے بھی جا کے وہاں پہ پیدل چل کے دیکھوں گا، لوگوں سے پوچھوں گا، وہاں پہ رہوں گا اہل تشیع بھائی کے ساتھ،
कि बताएं कि अब हम कहां पे खड़े हैं, तो वो भी आपके साथ आके शेयर करो। तो उलमा दीन से भी गुजारिश है, सियासतदानों से भी गुजारिश है, जितने भी आपने दानिशवर हैं उनसे यही है कि इंकलाब की तैयारी करें, पाकिस्तान को नसीहत के साथ साथ रफीक साहब कभी भी ट्रेन ट्रैक ठीक नहीं करेंगे। हर रोज बंदे आदमी मरते रहेंगे, पनामा हर रोज होती रहेगी, आपको लुटते रहेंगे, मरते रहेंगे, और आप नवाज शरीफ को नसीहत करके पैसे वापस नहीं लगा सकते। इनकलाब इनकलाब नबी पाक का इनकलाब वो जो देख गए थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अली भाई और मेरी बहन, मुझे टाइम देने का जज़ाकअल्लाह। जी एक और कॉलर को शामिल करेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अली भाई मैं माफी चाहता हूँ, दोबारा आ गए, मैं एक छोटा सा जोक लतीफा सुनाना चाह रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। टॉपिक एक बंदा था, वो आर्मी में ये जो यूनिफॉर्म होता है वो उसकी कलर करता था, तो सारी जिंदगी उसकी यही खाकी रंग जो है ना वो कलर करता रहा। तो जब वो रिटायर हुआ तो उसको जो मुआवजा मिला या उसकी पेंशन का जो पैसा था वो मिला, तो बाहर तो दोस्तों में बैठे हम सारे मशवरा उसको दे रहे थे कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये बिजनेस कर लो, तुम वो बिजनेस कर लो। और एक बंदा उठा, उसने कहा यार तुम सारी जिंदगी जो काम करते गए हो, क्यों नहीं है कि तुम किसी ललारी की दुकान खोल लो, क्योंकि तुम्हारा काम ही यही था, बर्दियां जो तुम करते थे आपकी कलर करते थे उसके, तुम एक्सपर्ट हो तो तुम ये खोल लो दुकान, ललारी की दुकान खोल लो। ये लतीफा है, तो उसने ललारी की दुकान खोल ली। एक औरत उसके पास आ गई, उसने कहा भाई ये मेरा दुपट्टा है, इसको गुलाबी रंग करना है। अब नसीहत देखी जो कि मैं जो बात चल रही थी उसकी ऊपरी, उसने कहा कि बीबी इसके ऊपर गुलाबी रंग नहीं अच्छा लगेगा, आप खाकी करवा लें। उन्होंने कहा भाई मैं मेरा सूट का है ये बेटा, सूट गुलाबी है तो आप खाकी कह रहे, कहते इसके ऊपर लगेगा ही नहीं अच्छा, खाकी अच्छा लगेगा तो आप खाकी करवा लें। वो कहने लगे भाई तू मुझे गुलाबी चाहिए या मुझे खाकी क्यों कह रहे हो, उन्होंने कहा इसके ऊपर गुलाबी रंग अच्छा ही नहीं लगेगा बच्चे के ऊपर, खाकी रंग अच्छा लगेगा। वो कह लगे अगर आपने करने हैं तो करने, वरना मैं जा रही हूं। वो कहने लगा अच्छा मैं इसको गुलाबी रंग तो कर दूंगा लेकिन ये सूखकर खाकी हो जाएगा। बेचारे को आते ही खाकी करना था ना। बहुत अच्छा जो कि यही हो रहा है हमारे क्या कभी कुछ जो है वो हाल यही है कि बात सही की मोहम्मद अली भाई ने भी कि बाज लोग नसीहत के उस लेवल से आगे निकल चुके हैं ना, अब वो नसीहत की ज़रूरत नहीं है, अब वहाँ पर मामला दूसरे हाथों से जो है वो टेढ़ी उंगलियों से घी निकालने वाला है। कॉलर शामिल करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सलाम जी शिराज साहब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़े अच्छा टॉपिक का इंतखाब है। बस इतना कहूँगा कि आजकल मुआशरे में कुछ ऐसे बिगाड़ आ चुके हैं कि जहाँ पे नसीहत जो है वो हमेशा उस वक्त अपना असर रखेगी कि जब नसीहत करने वाला अपने आप को उस काबिल बनाएगा कि वो नसीहत जो कर रहा है उस पर अमल भी कर रहा है या नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुआशरे में आजकल फकत बातें रह गई हैं, हम बातें करने में बड़े शेर हैं। कुछ लोग होते हैं ना उनको बीमारी होती है सिर्फ बोलना बोलना, दूसरे के कामों में टांग अड़ाना, और हर अच्छे काम की भी वो नफी कर जाते हैं, सिर्फ अपनी उस वो जो गलत फहमी होती है खुशफहमी होती है कि अपने आप की उस बड़ाई में, कि ये भी नहीं सोचते कि मैं झूठ पे हूँ या मैं सच पे हूँ, मैं हक पे हूँ या मैं बातिल पे हूँ। उन्होंने फकत वो तनकीद बराए तनकीद करनी है, या उन्होंने अपना आप को सुपीरियर अपने आप करने के चक्कर में वो हमेशा वो करते रहते हैं, तो उसको नसीहत नहीं कहते, उसको हमेशा ये कहते हैं कि ये बस वो ना हर अच्छे अमल पे भी वो कर रहा है और बुरे अमल पे भी कर रहा है। तो मौला का फरमान दिया ना कि जिसने किसी को अकेले में नसीहत की उसने उसको संवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की उसने उसको मजीद बिगाड़ दिया। हम ये कर रहे हैं, हमारे मुआशरे में जो नसीहत है वो अलहदा नहीं की जाती, सबके सामने की जाती है, तो उससे ज्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। मौला का फरमान तो हमेशा, ये तो माशाल्लाह है ही सच्चा, सदीक अकबर का ये फरमान है, तो इसमें तो हम कोई दोराय है नहीं। और आज अगर हम इसको अपनी जिंदगियों पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो यही हो रहा है।
हम जब किसी के सामने जाके बातें करते हैं तो अपने आप की वो चीजें सामने लेके आते हैं जो हमें पाई नहीं जाती, तो कैसे वो चीज असर रखेगी। तो नसीहत करने से पहले वो नसीहत अपने नफ्स को करें, उस पर अमल करें और उसके बाद करें तो देखें कैसे असर नहीं होता और कैसे मुआशरे में फिर इंकलाब बरपा होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सही कहा आपने भी, बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले नसीहत से पहले खुद प्रैक्टिकली जो है वो अपने ऊपर तमाम चीज़ों की एप्लीकेशन होनी चाहिए। जब जो वाइज है जो नसीहत कर रहा है तो उसका तरीक़ार प्रोटोकॉल आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने पूरी उनकी तालीमात से मिलता है कि किस तरह नसीहत करनी है। फिर मैं वहीं पे वापस बात पे जाऊंगा, वो इसकी जड़ है कि तमाम चीज़ों के मानवी असरात रखते हैं। अगर एक आदमी ख़ुद उन मामलात में मुलव्विस है या उस जैसे और गुनाह कर रहा है और वो नसीहत करने खड़ा हो जाता है तो वो चाहे बात सही भी कह रहा है वो आगे उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि इस शख्स की के खाते में सवाब जाए। पहले भाई तुम सही बनो, तुम भी तो दीन की पैरवी करो, तब ये कि खुदा बात तो कलाम मासूम की होगी मगर वो जाएगी उसके हक में। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? हाँ वाले साहब, शोएब अब्दी बात कर रहा हूँ। शोएब अब्दी साहब आप कहाँ से? शोएब अब्दी शुजा अमरीका से। अली मुस्ली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शायर अहले बैत जनाब हमारे साथ हैं, खुश आमदीद फरमाइए। सबसे पहले मैं आपको सलाम कर लूँ और सफीर के ऊपर जो रोजाना माशाल्लाह तो आप टाइम टू टाइम सुनाते रहते हैं माशाल्लाह। मैंने आपकी इसको बहुत ममनून हूँ मैं आपका। जज़ाकअल्लाह 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 जज़ाकअल्लाह। और अपना क्या कहते हैं कि आपको मैं क्या नसीहत करूँ, माशाल्लाह बहुत ही उम्र आपने आज मजबूत चुना है। और बस ये है कि नसीहत के साथ मुझे मेरी मम्मी की वसीयत याद आ रही है कि मैंने फरमाया कि तक़वा अख्तियार करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक बेशक तक़वे से ज्यादा बेहतर कोई लिबास मोमिन के लिए है ही नहीं। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। मैं सब आपको एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर एक मनकबा सुना के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे सब अमरीका में सिलसिला का वक्त है और मतलब थोड़ा सा हमारी भी यहाँ पे मसरूफियत है, बस दिल चाह रहा था कि आपसे सब बात करूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कहता हूँ खुदा का ये करम हुसैन पर है, सारे दिल का भरम हुसैन पर है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हाँ खुदा का ये करम हुसैन पर है, सारे दिल का भरम हुसैन पर है, और कब्र में बाबे बिना देखेगी। कब्र सलाम है ये खुदा का ये करम हुसैन पर है, सारे दिल का भरम हुसैन पर है, कब्र में बाबे बिना देखेगी यहाँ जो चश्मे नम हुसैन पर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ और उसमें गर्दिश कहाँ जमाने की, जो भी नक्शे कदम हुसैन पर है। और कहता हूँ नहीं रुक पाएगा कयामत तक, नहीं रुक पाएगा कयामत तक, मातम ये दम बदम हुसैन पर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक बेशक। हाँ जी तो ये कहता हूँ सुबह से शाम असर आशूरा, सुबह से शाम असर आशूरा, सितम पे एक सितम हुसैन पर है। और लाश लाश पे लाश उठाते हैं हुसैन, खत्म रंजो अलम हुसैन पर है। खत्म रंजो और ये मक्ता है जो कि वसीयत है। कहता हूँ वसीला शुजात निजात मेरी, कलाम जो रकम हुसैन पर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शामिल हुए शायर अहले बैत जनाब शोएब हसन आब्दी साहब उर्फ शुजा, आप तखल्लुस करते हैं अमरीका न्यूयॉर्क से, और बेहतरीन कलाम मौला सैयद अश्शहदा इमाम हुसैन फरमान अलफिदा की बारगाह में आपने पेश किया। हमारे पास बिल्कुल आखिरी लम्हात जो हैं, और नौजवानों के लिए असल में ही पैगाम हुआ करता है, क्योंकि बुज़ुर्ग तो
تو نصیحت خود کرتے ہیں ہمیں, اور ہمیں ان کی نصیحتوں کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور ایسا ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے وہ ان کے تجربات کے سائے میں اور ان کی نصیحتوں کے سائے میں گزرنا چاہیے. مگر نصیحت جو کی جاتی ہے وہ اپنے سے چھوٹوں کو اور جوانوں کے لیے ہوتی ہے. تو بہترین گفتگو ہمارے تمام کالرز کی طرف سے ماشاءاللہ, اور خصوصاً نصیحت کہہ سکتے ہیں, اور خصوصاً مولانا رضا حسین زیدی صاحب کی طرف سے جو پوائنٹس تھے ہمارے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کیے گئے, کہ جو اس کی اصل ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر خود اس کو امپلیمنٹ کیا جائے دوسرے کو نصیحت کرنے سے پہلے, اور نصیحت کا جو طریقہ ہے کہ ہمیشہ دیکھا جائے کہ اخلاق کریمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, ان کی شخصیت کو اگر آئیڈیل بنا لے آج کا مسلمان اور حقیقی خالی نام نہ لے, صرف نام لے کے صلواتیں پڑھتے تک نہ رہے, اس سے آگے اس کو اپنے اوپر اس کی اپلیکیشن کرے ان تعلیمات کی, تو کوئی دو باتیں نہیں رہتیں کہ دنیا میں سدھار پیدا نہ ہو. جی ناظرین, کوشش کی ہم نے کہ ہم نصیحت پر غور کر سکیں, اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلی نصیحت جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. ہم پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے, اور پھر جب ہم وہ چیزیں بہتر کر لیں گے تو ہم دوسروں کو بھی نصیحت کرنے کے قابل ہو سکیں گے. ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ منڈے کے دن آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.